Hello students, hi, so welcome you all. Myself, Mitesh Mehta, a chartered accountant, और आप सब लोगों का हमारी video recorded classes में स्वागत है. आप सब लोग ने इस नोबेल प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को चुना है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा एंड कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा, क्योंकि सीए ये दो शब्द जो हैं जब किसी नाम के साथ में लगते हैं तो उसकी डिग्निटी, उसका जो इम्प्रेशन है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है. अब जहाँ तक सीए कोर्स का सवाल है, आप सबको पता ही है तीन स्टेजेस हैं. फर्स्ट सीपीटी या फाउंडेशन, सेकंड स्टेज इंटरमीडिएट और तीसरा स्टेज है सीए फाइनल. पहला स्टेज आप लोग अपीयर कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, इसके लिए भी बधाई. और अब ये जो दूसरा स्टेज है सीए इंटरमीडिएट, इसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ. और ये जो हमारी वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ दैट इसको अटेंड करके आप अपने इंटरमीडिएट में भी डेफिनेटली 100% सक्सेस अचीव करेंगे. ये मेरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है और अपन इसको अचीव करेंगे. कुछ मेरे बारे में बता दूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैंने जो सीए है आप देख सकते हैं पिछली सदी में ही कर लिया था. और मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी 1998 में क्लियर हुआ. मैंने भी आप ही की तरह सीए फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद सीए फाइनल अपीयर किया. और टू शेयर विथ यू, इन तीनों ही एग्जाम्स में, चाहे वो फाउंडेशन था, चाहे इंटर था, चाहे फाइनल था, इन तीनों में मैंने ऑल इंडिया रैंक अचीव करी. देखिए जी, मैंने भी जब सीए ज्वाइन किया तो लोगों ने कहा बड़ा टफ है, इतना कोई आसान थोड़ी है पास होना, ये वो सबको जैसा भी था, जितना डराना था लोगों ने डरा दिया. मैंने भी कहा कोई बात नहीं, लेट्स सी. बहुत मेहनत करी और जब सीए फाउंडेशन में मैंने अपीयर किया, रिजल्ट आया, उसके थोड़े दिन बाद पता चला कि मेरी ऑल इंडिया में 43rd रैंक भी आई. तो इससे ये पता चला कि सीए में पास होने के साथ साथ रैंक भी आती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया. इंटरमीडिएट में जुनून था कि नहीं, कुछ अच्छा करके दिखाना है, और सही में अच्छा हुआ, आई गॉट 13th रैंक इन इंडिया. ये आप देख सकते हैं मेरे रैंक सर्टिफिकेट ही पीछे लगे हुए हैं. फाउंडेशन इट वॉज 43rd रैंक, इंटरमीडिएट इट वॉज 13th रैंक और सीए फाइनल तो ऑफकोर्स चैलेंज था कि नहीं, जब दोनों में रैंक आई है तो फाइनल में रैंक लानी ही है. और आई स्कोर्ड 4th रैंक इन इंडिया. ओके, तो समझिए सीए पास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता. और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, पास होने की चिंता छोड़ दीजिए, अगर चिंता करनी ही है तो रैंक लाने की करिए. ये जो पीछे आप रैंक सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये मैंने अचीव किए, या आप लोग भी अचीव कर सकते हैं, और मैं कह रहा हूं करेंगे, बस डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ तैयारी, और वो तैयारी करवाने के लिए हम आपके साथ हैं.
मैंने सीए करने के साथ साथ लॉ भी किया, एलएलबी। एलएलबी करने के बाद इंस्टीट्यूट का एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है जिसका नाम है डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। मैंने वो कोर्स भी किया ताकि कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे की जाए। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए का एक कोर्स है सीसा, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, मैंने उसको भी कंप्लीट किया। तो ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। 1998 में सीए करने के बाद आई स्टार्टेड विद दिस नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि सीए में लोग पास होने से डरते हैं, वो डर हटाना है, उनको कुछ आगे भी बताना है, और आगे ये है कि रैंक भी आता है। और बहुत सिंपल है जी, जब आप रैंक की सोचेंगे, पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग कोचिंग। ऑफ कोर्स इन दीज लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 इयर्स, 1998 में मैंने सीए किया, उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और आज 2018 आ गया है। मैंने फेस टू फेस क्लासेस में करीब करीब 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स के बीच में सीए भी बनाए हैं। और सबसे खास बात, हर अटेम्प्ट में मेरे स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक अचीव की है। तो मेरे पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सीए पास कराना नहीं होता, मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा टारगेट यही रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कुछ बेहतर करें। ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला चुके हैं, ठीक है, 2, 3 सारे रैंक्स ये समझ लीजिए लाए हुए हैं, और मेरे को आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग भी यही चीज़ अचीव कर सकते हैं। बस डिटर्मिनेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और रिजल्ट अपने आप बोलता है। अब ये सब अपन मेहनत करेंगे, अचीव करेंगे, ये सब तो होगा ही। मेरा जहाँ तक सब्जेक्ट है, आई टीच अकाउंटेंसी फॉर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 का अकाउंटिंग, ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंटिंग, ये दोनों ही मेरे सब्जेक्ट्स है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब सीए आप लोगों ने करी है, कुछ ना कुछ डिटर्मिनेशन सोच के किया होगा कि सीए में करना क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है सीए के लिए। तो वैसे तो आप सबको पता ही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास खूब तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। वो चाहे तो प्रैक्टिस में जा सकता है, प्रैक्टिस में भी टैक्स प्रैक्टिस हो सकती है, ऑडिट का प्रैक्टिस कराया जा सकता है, वो कंसल्टेंसी फील्ड में जा सकता है, वो कंपनीज में जॉब भी ज्वाइन कर सकता है, वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के अंदर अपीयर कर सकता है, और तो और लेटेस्ट में इफ आई से ही कैन एक्ट एज अ बैंकरप्सी प्रोफेशनल, जो कंपनीज के लिक्विडेशन में, बैंकरप्सी कोड में हेल्प करेगा। तो ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ सीए काम कर सकता है। एक सीए की बेस्ट डेफिनेशन क्या होती है पता है आपको? एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। एक बार 3 जन बैठे थे, एक साइंस का बड़ा विद्वान था, एक मैथ्स का बड़ा विद्वान था, और एक अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तीनों से पूछा गया कि भाई 2 और 2 कितना होता है, व्हाट इज 2 एंड 2। तो मैक्स वाले ने सोचा 2 और 2 की बात करी है, एंड का मतलब तो जोड़ने की बात होती है, तो उसने कहा 2 और 2 जी 4 होगा। ठीक है, साइंस वाले से पूछा तुम भी बता दो भाई, उसने कहा अच्छा 2 और 2 पास पास में रख देंगे, 22 हो जाएगा। सीए से भी पूछा तो सी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा 2 और 2 आपको कितना चाहिए, हम उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर देंगे। तो सीए का एक फुल फॉर्म मैंने निकाला है जी, कंप्लीट एडजस्टमेंट। हाँ, लेजिटिमेट एडजस्टमेंट मींस हम क्लाइंट को कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई आप किस तरह से काम करें ताकि आपका जो भी अकाउंट्स है, टैक्स है, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज हो सके विथ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, बिना कोई लॉ को ब्रेक किए। तो
तो कुछ ऐसा ही टेक्निक हमारा सीए कोर्स है जो हमको सिखाता है, और इसीलिए ये बहुत वैल्यूएबल है। वैसे सीए के और भी कई सारे फुल फॉर्म लोगों ने निकाल रखे हैं। एक फुल फॉर्म और है, सर्टेनली अचीवेबल। ठीक है, ये जो रैंक सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये अचीवेबल है, बस डिटर्मिनेशन रखिए। अब ये एडजस्टमेंट की जब बात आई तो मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। इंस्टीट्यूट ने सीए इंटरमीडिएट में पास होने का क्या एडजस्टमेंट सिखा रखा है, तो आपको मैं ये कुछ कैलकुलेशंस करके बता देता हूं। तो देखिए, आपके सामने एक ये चार्ट मैंने बना रखा है। ग्रुप 1, आपको सबको पता ही है, 4 पेपर हैं। पहला पेपर मेरा ही है, मेरा ही सब्जेक्ट है अकाउंट्स। सबसे पहले दिन एग्जाम में जाते हैं यही पेपर करना होता है। इंस्टीट्यूट कहती है अकाउंट्स इजी होती है जी, हर कोई बड़ा अच्छे से करता है, तो जोश बना रहता है आगे के पेपर्स भी अच्छे से करने का। इंस्टीट्यूट की तरफ से मैक्सिमम मार्क्स जो अकाउंट्स में दिए गए हैं वो 100 है। मतलब 100 से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी जी, उससे ज़्यादा लाइन नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा पेपर नहीं आएगा। पास होने के लिए मिनिमम इंस्टीट्यूट से 40 नंबर लाने जरूरी है। कितने कम है ना, 40 अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में 40। आज तक आपने 11th 12th में जब भी अकाउंट्स दिया होगा, इवन CPT फाउंडेशन में भी आपने दिया होगा, आपने कहा 40 का तो कभी सपने में भी नहीं आया। सिर्फ 40 कोई होता है क्या अकाउंट्स में? जो भी इंस्टीट्यूट ने कहा भाई 40, राइट टू इक्वलिटी वाला सिस्टम है, हर एक में 40 है। लॉ में भी 100 में से 40, कॉस्टिंग भी 100 नंबर मैक्सिमम मिनिमम 40, टैक्स भी 100 40, टोटल देखिए 100 100 100 एंड 100 कितना हुआ 400, और इधर 40 40 40 40 की टोटल, हाँ 200। आपने ये कैसे हो गया भाई, 40 40 40 और 40, तो हमारा कैलकुलेटर बोलता है 160। इंस्टीट्यूट कहती है नहीं जी, 40 40 40 और 40 कितना होता है 200। ये एडजस्टमेंट समझिए। इंस्टीट्यूट कहती है हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लाना जरूरी, लेकिन ओवरऑल आपको 50% लाना है। ओवरऑल 40% नहीं चलेगा, मीन्स यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 50% ओवरऑल, पर हर सब्जेक्ट में 50% की मेहनत नहीं करनी है। इंस्टीट्यूट कहता है हर सब्जेक्ट में तो आप 40-40 वाली मेहनत कर लो, ओवरऑल 50% ले आओ, इट्स डन। अब ये कैसे वर्क करता है? आप कहेंगे अकाउंट्स, हाँ ये मैं परफेक्ट हूँ, अकाउंट्स में क्या 40 लाना। आपने कह दिया अकाउंट्स में तो 70 लिखो जी, मैं 70 ले आऊँगा। तो यू प्लान फॉर 70 मार्क्स इन अकाउंट्स, वेरी गुड। लॉ, आपने कहा कानून है जी, पता नहीं कहाँ अटका दे, चलो 50। कॉस्टिंग, आपने कहा ये तो आसान है, 50 ले आऊँगा। टैक्स, आपने कहा पता नहीं क्या होगा, भगवान मालिक है, 40 मिनिमम। 70 50 50 40, टोटल कितना हुआ 210। इंस्टीट्यूट से हमको तो टोटल से मतलब है 210, इंडिविजुअली कहीं 40 का प्रॉब्लम तो नहीं? आपने कहा नहीं है साहब, सब में 40 है, उससे ज्यादा ही है, ओवरऑल 200 है। क्या 200 ज्यादा है? कि ओके, ठप्पा लग जाएगा, पास। आपने कहा वाह डन, ये इंस्टीट्यूट का एडजस्टमेंट है। क्यों? देखिए, कोई सब्जेक्ट आपको लगता है अपने लिए तो बाएं हाथ का खेल है, किसी को दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इंस्टीट्यूट ने कहा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा ले आओ, जो आपका फेवरेट नहीं है उसमें थोड़े कम भी ले आओ, ओवरऑल मिला करके आप तो हमारे बस 200 का टारगेट अचीव कर दीजिए, यू आर डन, आप पास हो गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये ग्रुप 1। ग्रुप 2 की भी यही चार्ट है। ग्रुप 2 में इंस्टीट्यूट ने कहा फिर से हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जी। पहला एडवांस अकाउंट्स, अगेन शुरुआत मेरे सब्जेक्ट से। मतलब अकाउंट्स तो ऐसा है इंस्टीट्यूट के, चाहे फाउंडेशन में, चाहे इंटर में, चाहे फाइनल में, शुरुआत अकाउंट से ही होगी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जी। अकाउंट्स तो अपने नस नस में, कण कण में होना चाहिए, तो इसलिए शुरुआत हमेशा अकाउंट से। ऑडिट, EIS एम और फिर FM, FM के साथ इकोनॉमिक्स भी है। कहने को तो सब्जेक्ट 4 दिखते हैं पर बेचारे कुसा रखे हैं EIS एंड SM, इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डाल दिया, FM के साथ में इकोनॉमिक्स डाल दी। अब जो भी है जो है संभालना तो पड़ेगा, फेस तो करना पड़ेगा। तो अब आपने कहा ओके, इधर भी 400 और 200, हाँ फिर वही टारगेट है 200। मतलब यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअली किसी में ज़्यादा किसी में कम, आप 200 का टारगेट अचीव कर लो, मिनिमम 40 आना है, यू आर डन। अब सबसे खास बात, आपने कहा मैं तो दोनों ही ग्रुप दे रहा हूँ, बोथ ग्रुप देने का क्या फ़ायदा?
इंस्टीट्यूट कहती है बहुत अच्छी बात है जी, दोनों दे रहे हैं, हम आपके 400 400 में से 200 200 नहीं देखेंगे, हम तो देखेंगे 800 में से कितने लाने हैं, 400 नंबर लाने हैं, 800 में से 400 ले आओ, इट्स डन। मान लीजिए ऐसा हुआ, आपने दोनों ग्रुप दिए, फर्स्ट ग्रुप के तो 210 की टोटल है ही, सेकेंड ग्रुप में आपने अब एडवांस अकाउंट्स, आपने कहा अच्छा एडवांस अकाउंट्स वाला ये क्या अपना, चलो एडवांस से थोड़ा कम कर लेता हूँ 60 मार्क्स। ऑडिट आपने कहा भाई अपने तो 40 पे ही रोक दो। EIS तो आपने कहा भगवान ही मालिक है 40। FM आपने कहा चलो 50 ले आता हूँ। कितना हुआ जी टोटल, ओह शट कितना हुआ, 190। आपने कहा ओ बाय गॉड 200 लाना था, 190 पे गाड़ी रुक गई, शट। इंस्टीट्यूट कहती कोई बात नहीं, आपने दोनों ग्रुप दिए क्या, कहाँ साहब दोनों दिए, फर्स्ट में कितना है 210, सेकंड में कितना है 190, टोटल कितना हुआ कि टोटल तो 400 हो रहा है, तो बस वापस से ठप्पा लग गया पास। तो समझिए अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हैं ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप ओवरऑल अगर 400 ले आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा ले आए, सेकंड में कम भी ले आए, इंडिविजुअली तो सेकंड ग्रुप में आप पास ही नहीं हो, 50% आया भी नहीं है, पर फर्स्ट ग्रुप के एक्स्ट्रा मार्क्स आपके सेकंड ग्रुप को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपका रिजल्ट छपा हुआ आता है पास। ये बोथ ग्रुप देने का फायदा। और एक सबसे बड़ा फायदा बताऊं, ये जो आप पीछे मेरे रैंक सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं ना, ये रैंक तो तभी आती है जब दोनों ग्रुप साथ में दिए जाएं। दोनों ग्रुप अगर आप साथ में नहीं देते हैं, पास का सर्टिफिकेट आएगा, रैंक का तो नहीं आएगा। तो अगर रैंक लानी है और लानी ही है तो आप डेफिनेटली बोथ ग्रुप साथ में दीजिए, साथ में पास करिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस सर्टिफिकेट्स। अब आपके मन में बोथ ग्रुप का मतलब मेहनत भी डबल, ऑफ कोर्स डबल, तो आप कहेंगे बाई चांस मामला बिगड़ गया दोनों में लटक जाएंगे, तो देखो भाई उसका भी सिस्टम बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट से दोनों साथ में दिए, हम टोटल देख लेंगे, टोटल में पता चला 400 हुआ ही नहीं, हमारे तो 390 ही रह गया, कि बाई चांस सेकंड ग्रुप में 190 भी नहीं पहुँचे, हम तो 180 पे रुक गए, अब क्या होगा, कोई बात नहीं 180 पे पहुँच गए। अब 180 और 210 कितना होता है, 390। इंस्टीट्यूट से नो बोथ ग्रुप आर नॉट पास्ड, तो ये नहीं चलो दोनों एग्जाम वापस दो। इंस्टीट्यूट कैसे रुको, ग्रुप वन इंडिविजुअली चेक करते हैं, ग्रुप वन इंडिविजुअली देखा 210 कि ओके ये पास, ग्रुप टू इंडिविजुअली देखा 180 नो नॉट ओके दिस इज फेल। तो समझिए बोथ ग्रुप देने का मतलब ये नहीं कि दोनों में फेल हो जाएंगे, अगर आपने एक भी ग्रुप में 200 या उससे अचीव कर लिया, अब अचीव कर लिया, वो आपका सब्जेक्ट क्लियर है, सिर्फ दूसरा वाला ग्रुप ही देना पड़ेगा। अब एक चीज और भी बना रखी है इंस्टीट्यूट ने, इतनी गलियां हैं जी इंस्टीट्यूट में कि आप इधर से उधर से कैसे करके अपनी नया किनारे पे पहुंचा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने एक दूसरा रास्ता दिया है कि आपने देखो जी ग्रुप टू दिया, वी आर वेरी सैड अनहैप्पी, आप 200 अचीव नहीं कर पाए, ओवरऑल 400 अचीव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ये अकाउंट्स में आपने ग्रुप टू में कितना अचीव किया एडवांस में, आपने कहा 60 नंबर के, बहुत बढ़िया 60 नंबर अगर किसी सब्जेक्ट में आप लेके आते हैं, इंस्टीट्यूट कहती है इसका मतलब उसमें आप बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे सब्जेक्ट को बार बार आपसे क्या पूछना, अच्छा थोड़ी लगता है। तो आप अगर उस सब्जेक्ट में विद्वान हैं तो वाई वी शुड अगेन आस्क यू इन नेक्स्ट पेपर, तो इंस्टीट्यूट कहते हैं ये एडवांस अकाउंट्स में जिसमें आपने 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा अचीव कर लिए हैं वो नेक्स्ट टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको 3 अटेम्प्ट्स का मौका देती है, अगले 3 बार में आप कभी भी ये रिमेनिंग 3 पेपर्स पास कर लीजिए, ओवरऑल 200 ले आइए, वी आर हैप्पी, हम आपको पास का सर्टिफिकेट दे देंगे। और अकाउंट्स में अगर आपने एडवांस अकाउंट्स में 60 लाए तो अगली मार्कशीट में 60 काउंट किए जाएंगे, अगर आपने 70 लाए हैं तो उसमें 70 काउंट किए जाएंगे, मतलब समझिए 200 टोटल लाने हैं सेकंड ग्रुप में, 70 मेरे एडवांस अकाउंट्स में अगर आ गए हैं तो रिमेनिंग 130 मुझे इन 3 सब्जेक्ट्स में लाना है, हाँ लेकिन मिनिमम तो हर सब्जेक्ट का 40 मेंटेन्ड है। तो कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जी पास होने के लिए, बस दिमाग लगाइए, कुछ सब्जेक्ट ऑफ कोर्स आपके फेवरेट होंगे उसमें ज़्यादा नंबर लाने हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके एवरेज होंगे उसमें एवरेज नंबर लाने हैं, और इस तरह से आराम से पास हुआ जा सकता है। ओके तो ये सब थोड़े से स्ट्रेटेजीज काम आती है, हेल्प करती है, और आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ मेरे सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल अपन डिस्कशन कर लें।
मेरा सब्जेक्ट ग्रुप वन का पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स. मैंने अभी आपको बताया अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ने इसलिए सबसे पहले रखा है हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में, हर सीरीज में, चाहे वो ग्रुप वन है, ग्रुप टू है, सीए फाइनल का आपका वापस शुरुआत होता है कि अकाउंट्स. बेचारा ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हर एक को आता है, हर कोई इसमें परफॉर्म कर लेता है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं. सब्जेक्ट नया नहीं, आप लोगों को पहले से आता है, अपने को तो बस थोड़ा उसको और इम्प्रूव करना है, थोड़ा उसको और प्रेजेंट करना है, एंड वी आर डन विथ. अब कुछ अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जैसा मैंने कहा कोई चिंता नहीं करने का. सबसे पहला कारण, आपने इसको पहले से 2 साल तक पढ़ा हुआ, कम से कम 2 साल, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, इवन अभी CPT फाउंडेशन के लिए पढ़ लिया, ग्रेजुएशन में आप और पढ़ ही रहे हैं, ग्रेजुएशन में हर साल पढ़ेंगे, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं. नया सब्जेक्ट नहीं है, अपने को पहले से पता है. और सबसे खास बात क्या है, अकाउंट्स बड़ा सच्चा सब्जेक्ट है जी, कभी झूठ नहीं बोला. आप 11th में गए, आपको टीचर ने बोला होगा पहले ही दिन, अकाउंट्स में 2 चीज होती है, कौन सी, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट. आपको बता दूं जी, सीए फाइनल तक भी पहुंच जाएंगे, आगे भी चले जाएंगे, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट ही रखेंगे. ये मैक्स वाले तो क्या है, पहले प्लस बताते हैं, फिर थोड़े दिन बाद बोलते हैं सब्ट्रैक्शन भी होता है, फिर कहते हैं मल्टीप्लाई भी होता है, फिर कहते हैं डिवाइड भी होता है, फिर पता नहीं और क्या क्या बताते जाते हैं. अकाउंट्स में ऐसा नहीं है, पहले ही दिन से आपको कह दिया डेबिट क्रेडिट हमेशा के लिए अपना मेंटेन्ड है, वादा पक्का है, डेबिट एंड क्रेडिट. एक पेपर है, अभी बताया था मैंने आपको 100 नंबर का. हाँ, एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात अच्छे से सुन लीजिए और याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट हिंदी में नहीं देती. मींस इवन इफ आपने एग्जाम में हिंदी मीडियम अडॉप्ट किया है, इंस्टीट्यूट कहेगी पेपर तो आपको इंग्लिश में ही दिया जाएगा, उसको आपको समझ के आंसर आप हिंदी में लिख दो. वैसे भी अकाउंट्स में क्या हिंदी काम लेते हैं जी, आपने चाहे लेजर अकाउंट्स बनाए, चाहे कैश बुक बनाए, चाहे फाइनल अकाउंट्स बनाए, व्हाटएवर इट इज, हमेशा इंग्लिश में ही तो बनाए. तो आप कहेंगे फिर हिंदी का यूज़ क्या है. हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो हमारे क्वेश्चन होंगे, कोई वर्किंग नोट आपको लिखना है, कोई थ्योरेटिकल पॉइंट आपको समझाना है, वहाँ आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं. पर समझिए इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा, इसलिए अपनी इतनी इंग्लिश तो अच्छी होनी ही चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली अच्छे से समझ सकें, करेक्ट इंटरप्रिटेशन निकाल सकें और उसके हिसाब से सॉल्व कर सकें. उसके बाद अगली बात, सबसे पहला पेपर है अपने एग्ज़ाम का, और पहला पेपर अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है जी, ताकि अगले पेपर्स का जोश बढ़ जाए, दुगुना हो जाए. और इसलिए इसको तो द बेस्ट, हमारा जिंदगी का सबसे अच्छा पेपर जो होना चाहिए वो हमेशा अकाउंट्स का ही होना चाहिए, ताकि आगे के पेपर्स में कोई दिक्कत नहीं आए. और ये होगा अच्छा, होगा ही, क्यों, सिलेबस बड़ा आसान है, कुछ नहीं रखा है, बड़ा आसान है. और अपन जैसे पढ़ना शुरू करेंगे आपको लगेगा बस इतना आसान है क्या, अब तो ये मैं कर सकता हूँ, और आई हैव सो मैनी ट्रिक्स, सो मैनी कॉन्सेप्ट्स, कि आपको अकाउंट से प्यार हो जाएगा. इसलिए 50% तो सोचना ही मत, ठीक है, जुर्म है 50% सोचना अकाउंट्स में. अकाउंट्स सब्जेक्ट में तो 100% सोचना होता है, 100% ला के दिखाऊंगा. और ध्यान रखिए, अगर आप 100% का टारगेट करते हैं तो 70-80 लाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अकाउंट्स इज नॉट फॉर 50%, अकाउंट्स आपकी नैया पार लगाएगा, बाकी सब सब्जेक्ट्स को हेल्प करेगा, उनमें नंबर कम आ जाएंगे कोई चिंता नहीं, अकाउंट्स में कम नहीं चलेंगे, आपको 70-80 नंबर लाने ही हैं. सो एम ऑफ 100% आपको कोई 80 लाने से रोक नहीं सकता. और एक और फ़ायदा बताऊँ, काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आपके ग्रेजुएशन में फिर से आएंगे, 2-in-1 बेनिफिट, यहाँ पढ़ो, इधर भी काम लो, उधर भी काम लो, कुछ अलग से मेहनत नहीं करना. और थ्योरी के नाम पे अकाउंट्स में कुछ नहीं आता, 100% प्रैक्टिकल पेपर, सिर्फ जो इंस्टीट्यूट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है जो है वो जरूर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं आएगा कि किसी चैप्टर की थ्योरी पूछ ली गई, नो, क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप थ्योरी का पता चल जाएगा आपको कितनी आती है. अब इसी बात पे चलो, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है वो बताता हूँ. ये पहले ही दिन क्यों बता रहा हूँ, ताकि दिमाग में क्लियर तो रहना चाहिए कि एग्ज़ाम में जो तैयारी मैं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में होगा क्या, क्या आएगा, कैसा नहीं आएगा. तो 100 नंबर का पेपर होता है, लाने 100 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 120 नंबर के होते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर के. हाँ, 6 के 6 सॉल्व नहीं करने होते, उसमें से आपको
पांच क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। ये इंस्टीट्यूट ने एक नए सिलेबस में बहुत अच्छा काम किया। पहले 7 क्वेश्चन दिए जाते थे, उसमें से 5 करने होते थे, सॉरी 6 करने होते थे, 7 में से 6 क्वेश्चन करने होते थे, अब 6 में से 5 ही करने होते हैं, पूरा एक क्वेश्चन कम हो गया। तो पहले बड़ी दिक्कत होती थी स्टूडेंट्स को, पेपर ही कंप्लीट नहीं होता, अब टू ग्रेट एक्सटेंट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ अगर 5 ही क्वेश्चन करने हैं 20-20 नंबर वाले तो फिर भी मैनेजेबल होता है। अभी जो 5 क्वेश्चन करने हैं 6 में से, इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, वो तो करना ही होता है, और रिमेनिंग 5 में से कोई भी 4, मतलब आप 6 में से कोई भी 5 नहीं उठा सकते, पहला तो क्वेश्चन करना ही है। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है इनमें से कोई भी 4 आप ले सकते हैं, उसमें इंटरनल चॉइस अवेलेबल है। और क्वेश्चन 1 जो 20 नंबर का है वो भी एक क्वेश्चन नहीं होता, उसमें 4 पार्ट होते हैं और हर पार्ट 5-5 नंबर का होता है, और ये क्वेश्चन हमेशा इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। आना ही है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने इंस्टीट्यूट का होम प्रोडक्शन है, इंस्टीट्यूट खुद बनाती है, तो अब घर का माल है, वो तो पहले ही पूछना पड़ेगा, और वो अच्छे से आना भी चाहिए। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहचान इसी से है, अकाउंट्स तो हर कोई लिख सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन तो आप कहेंगे वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ है जी, अपन हल्की फुल्की चीज़ें का बात ही नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी 5 पार्ट होते हैं 5-5 नंबर के, आप कहेंगे 25 के हो गए ना ये, उसमें से कोई 4 कर लो, समझिए कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। आपको लगता है हाँ ये लास्ट वाले जो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 5 में से 4 करना ही तो मेरे को बड़े अच्छे से आते हैं, ये कर लो, अच्छा रिस्क भी थोड़ी मिटिगेट हो जाती है। एक तो 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन करें फाइनल अकाउंट्स का, पता चला कहीं 2-4 गड़बड़ हो गई, ये काम पक्का हो गया। और ये 4-4, 5-5 नंबर वाले आपने अलग अलग क्वेश्चन कर लिए, जो सही है उसके तो नंबर पूरे मिल रहे हैं। अब पहला और आखिरी क्वेश्चन तो ये हुआ, अब सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये जो 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, ये भी 20 नंबर का एक क्वेश्चन जनरली नहीं आता। इंस्टीट्यूट 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेती है, कभी 15 और 5 का पूछ लेती है, 12 और 8 का भी पूछ सकती है, ऐसे परमुटेशन में। मतलब पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि आपके सिलेबस के मैक्सिमम चैप्टर्स कवर हो जाए। तो अगर कोई ये सोचता है ना मैं तो ये 4 चैप्टर कर लूँ, ये 2 कर लूँ, ये पिछली बार आ गया इसमें कौन दिमाग लगाएं, ये गलती दिमाग से निकाल दीजिए, ये भूत दिमाग से निकाल दीजिए, आपको तैयारी तो पूरी ही करनी पड़ेगी। फॉरगेट सेलेक्टिव स्टडी, सेलेक्टिव स्टडी सीए में नहीं होती, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, अपने मई एग्जाम जो इंस्टीट्यूट का हुआ, इस नए सिलेबस का पहला पेपर, उसका कवरेज किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया जस्ट देख लेते हैं। तो लेट्स सी, देखिए इंस्टीट्यूट का पेपर 1 अकाउंटिंग, 1 पेपर 3 आवर्स, 100 नंबर, 3 घंटे का मतलब हुआ 180 मिनट, 180 मिनट में 100 नंबर आपको लाने हैं। इंस्टीट्यूट ने ऑब्जेक्टिव दिया है कि हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दे शुड एक्वायर द एबिलिटी, क्या लिखा है, टू अप्लाई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शुरुआत ही वही हुई कि पहला क्वेश्चन इसीलिए, लेजिस्लेशन लॉ टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इवेंट्स, एंड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटीज, अब वो चाहे कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ये वो सब। अब अपना कोर्स क्या है, सीरियल नंबर 1, इंस्टीट्यूट ने बड़े सिस्टम से काम कर रखा है जी, इंस्टीट्यूट ने खुद ने डिक्लेयर कर रखा है कि सीरियल नंबर 1 हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उससे रिलेटेड है, और इंस्टीट्यूट ने कह दिया इसमें हमारा जो मैक्सिमम वेटेज होगा एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 20 से 25% मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। अब मई में क्या रहा है वो देख लीजिए, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एएस है, फ्रेमवर्क ऑफ प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हाँ ये मैंने आपको कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट खुद बनाती है, टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सारे के सारे अपने ग्रुप 1 के कोर्स में नहीं है, ग्रुप 1 में कुछ 12-13 एएस हैं, ग्रुप 2 में भी कुछ है, सीए फाइनल तो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही हवाले है। तो अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स में है, आप देखिए वी हैव एएस 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद में एएस 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 16 है, 17 है और 22 है, ये इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने इंस्टीट्यूट ने कोर्स में रखे हैं। पिछली बार मई में जो क्वेश्चंस आए हैं आप देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ मैंने इसको येलो कर रखा है क्योंकि ये हमारा एक अलग से चैप्टर भी है, तो अब मैं इसको इधर समझूँ चाहे इस चैप्टर में समझूँ, आपने
अंडरस्टैंडिंग है. AS5 में से क्वेश्चन आया, AS11 में से क्वेश्चन आया, 12 में से क्वेश्चन आया, AS17 में से आया. हाँ, अंतिम AS जो AS22 है ये भी एक चैप्टर में कवर्ड है. तो फिर भी अगर मैं इसको यहीं पे मानूँ तो आप कहेंगे 3 और 3 6 6 क्वेश्चन, 5 5 नंबर वाले, आप कहेंगे ये तो 30 नंबर का हो गया ना, पेपर भी तो 120 का आता है तो मिनिमम 20 तो. ये आप कहेंगे वो तो पहला क्वेश्चन था ना AS का 20 नंबर का, वो जो छठा क्वेश्चन आता है ना उसमें भी कई बार AS पूछ लिया जाता है. तो जैसा भी है 30 नंबर के क्वेश्चन आए. हाँ, आप कहेंगे काफ़ी सारे AS में से तो आया ही नहीं ना, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम और भी तो लेने, इस बार उनमें से आ जाएगा. और ये नहीं कि हाँ ये सब चूक गए तो बचे हुए में से ही आएगा, बचे हुए इतने है ही नहीं कि उनमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ ना कुछ तो रिपीट होना ही है. और ज़्यादा रिपीटेशन कैसे होता है अभी आपको अगले सेकेंड चैप्टर से समझ में आ जाएगा. कंपनी अकाउंट्स इज द सेकेंड चैप्टर. और कितने चैप्टर हैं इसके अंदर आप देखेंगे, टोटल 7 चैप्टर हैं कंपनी अकाउंट्स के. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बोनस इश्यू, टैक्सेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन, फाइनल अकाउंट्स, कैश फ्लो, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. इन 7 चैप्टर में से आप देखो क्या क्या आ गए थे. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया, डिबेंचर भी आ गया, बोनस भी आ गया, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन, कैश फ्लो वाला भी आ गया, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. आप कहेंगे बेचारा एक सिर्फ अकेला कौन बचा है, ये मैनेजरियल रेमुनरेशन बच गया, बाकी कुछ नहीं बचा, सब आ गए. और वेटेज कितना है, 25 से 30%. आप कहेंगे 30% और कितने नंबर आ गए, 20 30, ये तो 40 नंबर का आ गया. और इंस्टीट्यूट ने 30 का ही कहा है ना, वही 120 वाला हिसाब है जी. पर आप समझिए, हो सकता है कि आपने वो 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, कोई दूसरा सेलेक्ट किया, आपके लिए तो वेटेज 40 पहुंच गया, पॉसिबल है. जो भी है तैयारी रखिए. और वैसे भी है जो 10 नंबर वाले AS में ले लूँ तो यहाँ से हट जाता है तो 30 ही बचता है. पर आप समझिए, अब आप सोचो पिछली बार ये सब क्वेश्चन आ गए थे इन इन चैप्टर में से, अब रिमेनिंग कर लेता हूँ कौन सा, एक मैनेजरियल रेमुनरेशन 5 नंबर से ज़्यादा कि उसकी वक्त नहीं. और अब आप सोचो 20 नंबर 25 नंबर उसमें से आ जाएगा, पॉसिबल नहीं, मतलब रिपीटेशन तो होना ही है. अब थर्ड पार्ट जो है वो कुछ स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन्स हैं. हमारे 6 चैप्टर इसके कोर्स में है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन, हायर परचेज का अकाउंटिंग, फिर ब्रांच अकाउंट्स, डिपार्टमेंट अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इंस्टीट्यूट की तरफ से वेटेज है 30 से 35%. मार्क्स देखिए 10 10 10 और 10. तो समझिए 2 चैप्टर छूटे हैं पिछली बार, ठीक है. अब 2 चैप्टर में से तो 30% आना नहीं, मतलब फिर से रिपीट होगा. तो इसलिए दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि थोड़ा करेंगे काम चल जाएगा. नो, नहीं चलेगा. आपको सारा सिलेबस अच्छे से करना ही है. लास्ट पार्ट पार्टनरशिप का है बेचारा, 20% नंबर, 15 से 20. टोटल चैप्टर ही 3 है, एक डिसोल्यूशन, कन्वर्जन इनटू अ कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP. 15 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन. अब ये तो है ना, ये 2 आ गए, अब खाली 25-20 नंबर का क्वेश्चन पहले में से आ जाएगा. नो, मान के चले वापस वही 15, तो 5 नंबर कहीं ना कहीं और आएगा. तो इसलिए ये गलत फहमी आप निकाल दीजिएगा कि थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा कोर्स कर लेंगे, काम हो जाएगा. हरगिज नहीं होगा, आपको सारा सिलेबस करना है. हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं पिछली बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया था तो इस बार थोड़े चांस ज़्यादा है, इसको अच्छे से तैयार करूँ. पर जो पिछली बार आया था वो भी आएगा तो सही, सारे नहीं तो मैं कह रहा हूँ 70% तो रिपीट होंगे ही. ये दिमाग में तैयारी अच्छे से रखिएगा, याद रखिएगा. सेलेक्टिव स्टडी CA में नहीं होती. CA का मतलब ही कॉम्प्रिहेंसिव, सब कुछ बड़ा, सब कुछ प्रॉपर चाहिए. अब मेरा काम क्या है जी, मेरा भाषण सुन रहे हैं, मैं पढ़ाऊँगा, ये भी आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, रोल मेरा क्या है. तो मैं आपका टीचर हूँ, कोच समझ लीजिए, गाइड समझ लीजिए, फ्रेंड समझ लीजिए. और ये रैंक सर्टिफिकेट्स आपको भी लाने हैं, इसलिए मुझे अपना रोल मॉडल भी मना लो कि हाँ, अगर सर ने 4th रैंक लेके आए फाइनल में, ऐसी की तैसी हम 1st रैंक लेकर के दिखाएंगे. तो ये डिटर्मिनेशन रखिए. और मैं आपको रोज़ याद दिलाता रहूँगा, CA में सिर्फ पास नहीं हुआ जाता, CA में उसके आगे भी होता है, रैंक भी आती है. मैंने भी फाउंडेशन देते वक्त यही सोचा था पास होना है, फिर रैंक आई तब पता चला अच्छा रैंक भी आती है, और वही मेरा आगे का रोल बन गया कि मुझे रैंक अचीव करनी है. अब हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस है. आप कहेंगे डाउट हुआ पूछेंगे कैसे,
कोई चिंता नहीं जी, आजकल कम्युनिकेशन बड़ा आसान है, व्हाट्सएप है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, आप उस पर डाउट पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ईमेल से डाउट पूछ सकते हैं, जरूरत हुई तो आई विल इवन कॉल यू टू सॉल्व इट। वैसे मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी से डाउट्स शायद नहीं आए, और कभी मौका मिला तो हम मिल भी लेंगे। अब मेरा पढ़ाने का सिस्टम जो है वो समझ लीजिए कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो अभी मैंने आपको बता दिया, सिलेबस सेलेक्टिव करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं, तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस विथ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ये नहीं ये चीज़ याद कर लो ऐसे होती है, नो, क्यों होती है वो समझाऊंगा। और जब कोई चीज़ क्यों होती है वो आपको आती है तो उसको अप्लाई करने में कभी दिक्कत आती ही नहीं है। मेरे खुद की नोट्स बुक्स हैं वो आपको दिए जाएंगे, और जो मेरा बुक है पूरा सिलेबस कवर करता है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में चैप्टर्स को अरेंज कर रखा है, मोर देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं क्योंकि अकाउंट सारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खूब सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चन हैं उससे समझ लीजिए 3 गुना क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे। और एक खास बात, मेरे हर चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि हर चैप्टर के अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको मैं कॉन्सेप्चुअल थ्योरी कह सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी हर चैप्टर में है, कुछ चीज़ें आपको प्रिंटेड मिलेगी, कुछ मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, ताकि खास खास बातें, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है, मेन चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम के दिन में याद रहनी चाहिए वो सब मैं आपको लिखवाऊंगा, ताकि आपको उस चैप्टर के सारे जो खास बातें, इंट्रिकेसीज है, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है, वो बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहे। फिर उन कॉन्सेप्ट्स के साथ में वी हैव द क्लास असाइनमेंट क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल्ड सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। और मेरा जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, सिर्फ आसान क्वेश्चंस नहीं है, बहुत अच्छे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी है, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर कभी कभार इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा भी बनाती है, कुछ क्वेश्चंस में रियली एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। तो मैंने हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे लेवल के रख रखे हैं, चाहे वो सी फाइनल से बोरो किए हों, चाहे कहीं से भी बोरो किए हों, ताकि अपने को एक होराइजन क्लियर रहे कि हाँ सीए है, मेहनत मांगता है। ओके, और ये अच्छे क्वेश्चंस ही रैंक लाने का सक्सेस मंत्र है, क्योंकि जब आपने टफ से टफ क्वेश्चंस कर रखे हैं आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद घर पे प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट है, ताकि आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकें, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सके, हाँ हम भी क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। अब स्टडी मटेरियल में जितना भी कंटेंट है इंस्टीट्यूट का, जितनी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, वो 99% मेरे नोट्स में कवर्ड हैं, तो आपको अलग से स्टडी मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके लिए एक और आराम हुआ, बस मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट, 100% मार्क्स आपके लाने के लिए इनफ है। प्रैक्टिस असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको घर पे करने हैं, ऑफ कोर्स मैं वो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करूंगा। हाँ, सॉल्यूशंस आपको करने हैं, चेक करने के लिए सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें। और एक खास बात, अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, आंसर आता है, लिखना कैसे है, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट हुआ, ये हुआ, इसके मामले में बड़ा पर्टिकुलर हूँ, और प्रेजेंटेशन 4-5% नंबर तक चेंज कर देता है। और मैं आपको हर रोज़ क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त प्रेजेंटेशन की बात करता ही रहूँगा कि ये देखो ध्यान से प्रेजेंट करो, ये नोट लिखना है, ये चीज़ ऐसे लिखनी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मार्किंग सिस्टम बड़ा सिस्टमेटिक है, और मैं उस मार्किंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताता जाऊंगा, ताकि फुल मार्क्स आप हमेशा अचीव कर सकें। और ये मेरा डेली रूटीन है। ये प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट क्या होता है, कैसे फ़र्क पड़ता है, एक मैंने आपके लिए छोटा सा एग्जाम्पल बना रखा है, देखते हैं। ये आपका जाना पहचाना इश्यू ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग, 2 एंट्रीज मैंने कर रखी है, दिख रही है आप सबको। 15 जून को एप्लीकेशन मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख रुपए, नरेशन भी लिख दिया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
25 जून को अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ, एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। हाँ जी सही एंट्रीज आपने 11 12th में कई बार किया, इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर, पहली दो एंट्रियाँ, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यही दो एंट्रीज मैंने आगे फिर से बना रखी है, सेम वही है, कोई फर्क नहीं। देखो भाई अमाउंट वही, अंग्रेजी वही, तारीख वही, नरेशन भी वही, अक्षर एज इट इज सेम, कहीं कोई फर्क नहीं। वही 15 जून बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसके बाद 25 जून एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, सेम है, कोई फर्क नहीं। अब इन दोनों को साथ में ले आता हूं। अब आप सोचेंगे सेम ही तो है, फर्क क्या है? तो अब आप खुद थोड़ा सा एनालाइज करिए, रिव्यू करिए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। कभी कभी वो आता है ना पेपर में, दो पिक्चर्स आपको दे दी गई है, इनमें डिफरेंस निकालो, कोई भी 10 फर्क निकाल के बताओ। आप कहेंगे हाँ भाई इसमें और इसमें फर्क निकालो, तो आप कहेंगे अक्षर तो मैच हो रहा है, आप कहेंगे थोड़ी सी डिजाइन जरूर थोड़ा इधर उधर वाला फर्क है। तो समझो यही प्रेजेंटेशन है, ठीक है। दो जनों ने, एक जने ने ये लिखा, दूसरे ने ये लिखा, दोनों ने बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम लिखा, पर एग्जामिनर को मार्क्स देते वक्त इसमें थोड़ी सी दिक्कत फील हुई कि क्या है, उसमें लगा कि हाँ ठीक है। देखो जी यही प्रेजेंटेशन है, एक नीट एंड क्लीन दिखता है और एक बिल्कुल सब्जी मंडी दिख रहा है। हाँ ये जर्नल है ना, तो देखिए मैं इसका तो नाम दूंगा, हाँ ये जर्नल है साहब, इसको तो मैं कह दूंगा ये जनरल है, जनरल क्लास होता है ना, बिल्कुल कचरा, अंडरस्टैंड। ये जो जर्नल मैंने बनाया, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जर्नल दिख रहा है, क्यों? यू हैव द डेट कॉलम, यू हैव द डेबिट कॉलम, यू हैव द क्रेडिट कॉलम, सब कुछ नीट एंड क्लीन। मीन्स जर्नल का एक बेसिक रूल होता है, जहाँ आपका डेबिट क्रेडिट है, जहाँ आपके वर्ड्स हैं अंग्रेजी नहीं मैथ्स है, वहाँ अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मीन्स वेयर यू हैव योर फिगर्स मैथ्स, वहाँ इंग्लिश का क्या काम। और इधर मैं कह दूँ कि थोड़ा सा भाई बताना तो डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, आप कहेंगे अच्छा क्रेडिट बताना, ये लो जी ये 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 रहा हमारा क्रेडिट, डेबिट बचा हुआ इधर है ही ना। वो कह दे अरे बना दो ना भाई, अरे यार अब कैसे बनाऊँ, चलो जी बना दिया, ये लो साहब ये आपका डेबिट भी हो गया। ये जनरल है, सेम सोल्यूशन सेम कैलकुलेशन, पर ध्यान रखिए मार्क्स में फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए मेरा तो सिस्टम बड़ा क्लियर है, आई डोंट प्रिफर दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, नो, मेरे को तो हमेशा यही चाहिए। और याद रखिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है, टाइम उतना ही लगता है, बस अपने मन में होता है कि नहीं टाइम बचा लूँगा, नेवर, यू एंड अप विद द सेम टाइम। और सबसे खास बात, आप कहेंगे ठीक है एग्जाम में कर लूंगा जी ये सब, अभी कहाँ झमेला, अभी तो क्लास में ऐसे ही चलने दो, नो नेवर, न क्लास में न घर में, आपको प्रेजेंटेशन करना है यही करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना प्रेशर के साथ काम करना होता है, उस वक्त कहाँ याद आएगा ये प्रेजेंटेशन। ये तभी याद रहेगा जब आपके वो रोज की प्रैक्टिस का पार्ट हो, इसलिए बी वेरी क्लियर अबाउट प्रेजेंटेशन। मैं आपको रोज याद दिलाता रहूंगा मेरा प्रेजेंटेशन, और यही सीक्रेट है एक्स्ट्रा मार्क्स लाने का। कई लोग 199 पे अटक जाते हैं, ये प्रेजेंटेशन उनकी नया पार लगा देता है। अब आपका रिव्यू असेसमेंट, तो हम टेस्ट रखने वाले हैं हर थोड़े टाइम में कुछ चैप्टर्स का, और आई हैव अ टेक्निक ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन सिस्टम, बड़ा यूनिक सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है। और वो जब सिस्टम से आप टेस्ट देंगे इवेल्युएट करेंगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा मार्क्स कहाँ कटते हैं, मार्क्स कैसे लाने हैं, और वो डेफिनेटली आपको हाई स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो ये मेरा यूनिक टूल डेवलप्ड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और एक बार अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर
हम आपके लिए अगेन अवेलेबल है. वी हैव बूस्टर क्लास, अमेंडमेंट क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनका रिवीजन, ये वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा. कुछ अपडेट आ गया, कुछ चेंज आ गया, अकाउंट्स में जनरली आता नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो विल बी विथ यू. तो ये मैंने आपको मेरे सब्जेक्ट के बारे में, मेरे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया. तो अब शुरू हो जाइए फुल डिटर्मिनेशन के साथ, जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और श्योर सक्सेस के लिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप मेरे से भी बेहतर कर पाएंगे, करेंगे, अचीव करेंगे. और बस अगले 6 महीने के लिए, जब तक अपने एग्जाम नहीं हो जाते, बाकी सब दुनिया भूल जाइए. थिंक ओनली सीए एंड डेफिनेटली वी कैन अचीव इट. थैंक यू. बाय.